हेलो फ्रेंड्स, आज अपन मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में रतलाम जिले के बारे में और आगर मालवा जिले के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों तो मैं आपको दोस्तों जो इनमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जैसे अपन ने उज्जैन संभाग के उज्जैन जिला पढ़ा, वो बढ़ा था दोस्तों, तो अपन ने सिर्फ एक उज्जैन ही पढ़ा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इनमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये छोटे छोटे जिले हैं थोड़ा सा, इनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश का अपना रतलाम जिला दोस्तों, कौन सा? रतलाम, उज्जैन संभाग में आता है दोस्तों रतलाम जिला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, रतलाम, ठीक है, इसके पास से, सबसे पास से किस जिले के कर्क रेखा होकर गुजरती है, मतलब जो कर्क रेखा है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के सबसे पास कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये अपना रतलाम है। रतलाम जिले के पास से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो दोस्तों रतलाम का सेब है ये सबसे फेमस है दोस्तों, रतलाम का जो सेब है वो सबसे फेमस है, जिस कारण से इसको सेब नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। रतलाम का जो सेब है वो सबसे फेमस है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है मावा तथा साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है अपना रतलाम, सेब के लिए तो है ही है, उसके बाद मावा तथा साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है अपना रतलाम, ठीक है। यहाँ पर मावा और साड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है मतलब अपना रतलाम जिला, ठीक है। रतलाम मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है एवं मध्य प्रदेश का जो रतलाम जिला है दोस्तों, यह तीसरा रेलवे जंक्शन मतलब तीसरा रेलवे जंक्शन अपना मध्य प्रदेश का रतलाम है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बात करता हूँ अपने रतलाम जिले के बारे में दोस्तों। इसको सेव नगरी कहा जाता है, सेव नगरी, रतलाम को सेव नगरी कहा जाता है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा रतलामी सेव, ठीक है, उसका उत्पादन सबसे ज्यादा रतलाम में होता है, इसको सेव नगरी कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज सेव, वो एप्पल वाला सेव नहीं दोस्तों, सेव जो अपना होता है नमकीन का सेव वो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रथम राजा रतन सिंह, प्रथम राजा रतन सिंह थे यहाँ के प्रथम राजा, क्वेश्चन पूछ लेता है रतलाम के प्रथम राजा कौन थे, तो रतलाम के प्रथम राजा अपने रतन सिंह थे दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों, किसकी स्थापना? रतलाम की स्थापना, तो रतलाम की स्थापना अपने 1829 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। किसने की थी? तो रतलाम की स्थापना बोर्थविक ने की थी दोस्तों, बोर्थविक ने 1829 ईस्वी में रतलाम की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रतलाम में नमकीन सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन नमकीन सेब का कहाँ होता है? तो रतलाम जिले में होता है। अपने नमकीन सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो रतलाम जिले में होता है दोस्तों। अंगूर का उत्पादन है दोस्तों, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अंगूर का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो रतलाम में होता है। और अंगूर का उत्पादन तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में अपने रतलाम जिले में होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले अंगूर का रिसर्च सेंटर, तो अंगूर का रिसर्च सेंटर भी कहाँ होगा? रतलाम में ही होगा। क्यों? रतलाम में सबसे ज्यादा अंगूर होता है, और अंगूर का रिसर्च सेंटर भी अपने रतलाम में होगा। अगर साथ ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है अंगूर और संतरा अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो अंगूर और संतरा अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो मंदसौर में। लेकिन दोस्तों उसके लिए जब साथ में आए अंगूर और संतरा, दोनों चीजें एक साथ पूछे अंगूर और संतरा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ होते हैं, तो अपने मंदसौर में। लेकिन केवल अंगूर पूछता है साथियों कि अंगूर सबसे ज्यादा अपने मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो अंगूर अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रतलाम में होता है दोस्तों, ठीक है। इसका रिसर्च सेंटर भी रतलाम में ही है, ठीक है। अल्कोहल, मैं फैक्ट्रियां बता देता हूँ दोस्तों, अल्कोहल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है अपने रतलाम में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अंगूर का अनुसंधान यही है, रिसर्च सेंटर, ठीक है। उसके बाद सूती कपड़ा, मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिल भी अपने रतलाम में ही थी, ठीक है। दवाइयां, ड्रग बनाया था, ड्रग मतलब दवाइयां दोस्तों, ठीक है, अपने रतलाम में बनाई जाती है, मतलब इसके बनाने का कारखाने या दवाइयां बनाने के, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, स्कूल चले हम की शुरुआत भी अपने 1992 में रतलाम से ही हुई थी, ठीक है। स्कूल चले हम की शुरुआत दोस्तों रतलाम जिले से ही हुई थी और 1992 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद मोबाइल स्कूल, स्कूल चले हम तो याद रख लेंगे 1992, यहीं से मोबाइल स्कूल की भी शुरुआत रतलाम से हुई थी दोस्तों, ठीक है। एक ये सबसे फेमस जगह है दोस्तों रतलाम जिले में, रतलाम जिले की सबसे फेमस जगह है दोस्तों हुसैन टेकरी, हुसैन टेकरी जो है यहाँ पर लाइलाज बीमारी के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी हुसैन टेकरी है दोस्तों, हुसैन टेकरी, ये लाइलाज बीमारी, एक बीमारी होती है लाइलाज, इसके लिए प्रसिद्ध है अपनी हुसैन टेकरी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जावरा में सबसे इंपॉर्टेंट है रतलाम की जो जावरा है दोस्तों, रतलाम जिला है अपना, इसके जावरा में सुअर मिल है दोस्तों, वहां पर
चीली वनाइला सुगर मिल है दोस्तों रतलाम के, ठीक है। उसके बाद सैलाना अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य आपने सुना होगा कई बार एग्जाम में पूछा है। यहाँ पर किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कौन सी अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है क्वेश्चन आते हैं, तो सैलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। इसका क्षेत्रफल तो 12.996 वर्ग किलोमीटर है, 12.96 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चंबल नदी रतलाम जिले से बहती है, चंबल नदी रतलाम जिले से बहती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों रतलाम जिले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा सर्वाधिक पास से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर रतलाम जिला है। दोस्तों अपन इसी वीडियो के माध्यम से आगर मालवा एक उज्जैन संभाग का जिला है यह, आज इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। जो अपना आगर मालवा है दोस्तों, यह 16 अगस्त 2013 को, मतलब कब बना दोस्तों, यह आगर मालवा अपना आगर मालवा 16 अगस्त 2013 को किससे अलग होकर बना, तो शाजापुर से अलग होकर बना। कब बना दोस्तों, 16 अगस्त 2013 को, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भारत का पहला गौ अभ्यारण्य, यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगर मालवा से। भारत का पहला गौ अभ्यारण्य, भारत का पहला कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ है, तो अपने आगर मालवा में दोस्तों, ठीक है। और ये किस तहसील में है, तो ये सुसनेर तहसील में है। गौ अभ्यारण्य जो है आगर मालवा में किस तहसील में है, तो ये सुसनेर तहसील में है दोस्तों। उसके बाद किस ग्राम में है, तो सालरिया ग्राम में है दोस्तों, सालरिया ग्राम में है। उसके बाद यही अपनी यह आगर मालवा जो है दोस्तों, यह किस लिए मतलब फेमस है, तो आगर मालवा अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आगर मालवा में लाल मिट्टी होती है और लाल मिट्टी के लिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नालखेड़ा, नालखेड़ा में माता मतलब भदवा माता का एक मंदिर है दोस्तों। नालखेड़ा एक जगह है, वहां पर भदवा भादवा माता की मंदिर है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आगर, आगर आगर मालवा से चीलर लखुंदर और नेवज नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। तीन नदियां बहती है आगर मालवा से, ठीक है, चीलर लखुंदर और नेवज नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। जो लखुंदर नदी है, इस नदी को पुराणों में लक्ष्मण नदी के नाम से जाना जाता है। जो लखुंदर नदी है आगर मालवा में, इस नदी को दोस्तों पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो लखुंदर नदी को पुराणों में लक्ष्मण नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल, किसका आगर मालवा का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो 2785 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 2785 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। लखुंदर नदी को पुराणों में लक्ष्मण नाम से जाना जाता है, ये मैंने बता ही दिया दोस्तों। उसके बाद तारावाला ग्राम, इस ग्राम में काली सिंध और लखुंदर नदी मिलती है साथ में दोस्तों। तारवाला ग्राम, यहाँ पर तारवाला ग्राम है एक आगर मालवा में, वो उसमें काली सिंध और लखुंदर नदी यहाँ पर मिलती है दोस्तों आगर मालवा में, ठीक है। दोस्तों आगर मालवा जिले से जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दिया दोस्तों। देश का पहला गौ अभ्यारण्य पूछ सकता है, और यह कब बना दोस्तों, यह पूछ सकता है आगर मालवा से। गौ अभ्यारण्य पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं दोस्तों, क्योंकि यह भारत का पहला गौ अभ्यारण्य था, मतलब भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बना, मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश का तो है, जब भारत का है दोस्तों पहला, तो ये मध्य प्रदेश का भी पहला ही होगा। तो क्वेश्चन आता है भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ है, तो आगर मालवा के सुसनेर तहसील के सालरिया ग्राम में है दोस्तों, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कौन सी तहसील में है, तो सुसनेर तहसील में है दोस्तों। उसके बाद सालरिया ग्राम में है दोस्तों, ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, अपना आगर मालवा, तो अपना आगर मालवा जो है दोस्तों, यह लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मैंने आज अपने इस वीडियो में उज्जैन संभाग के दो जिलों के बारे में बताया दोस्तों, एक रतलाम हो गया और दूसरा आगर मालवा हो गया दोस्तों। आगर मालवा और रतलाम से कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।